और ताज सुल्तानपुर बोले तो एक एक मुस्लिम राजा का नाम है। इलेक्शन आकर सभी का सिर में जो धर्म का एक धर्म में झगड़ा कर लगाने के लिए कुछ कुछ भी कोई भी तो कुछ तो बोलना चाहते हैं, इसलिए कोई लोग ये धर्म में झगड़े का बात नहीं करना है। सभी लोग मिलकर वोट करने का बहुत जरूर है, वोट तो कोई भूलना नहीं। गुलबर्गा जिले में और तालुक गुलबर्गा का तालुका में गुलबर्गा से 3 किलोमीटर अंतर में सुल्ताज सुल्तानपुर इस गांव में, ये गांव अभी गुलबर्गे का बहुत नजदीक गांव, ये गांव में सभी धर्म का सभी मजहब का सभी लोग इस गांव में एक कर होके धार्मिक और सांस्कृतिक सामाजिक काम में बहुत बड़ी नाम करने से आगे बढ़ रहे हैं। उसमें ये ताज सुल्तानपुर बोले तो ताज सुल्तान बोले तो वो एक राजा कलबुर्गी में इस गुलबर्गा में बड़ी राजा था यहाँ पे, वो राजा ये कल्याण कर्नाटक हैदराबाद कर्नाटक का निजाम आड़त में इस गांव आती थी। वैसा गांव एक निजाम सरकार में यहाँ पर एक राजा सुल्तान ताज सुल्तानपुर में मौजूद था। ये ताज सुल्तानपुर में सुल्तान राजा सभी धर्मों के लिए सभी मजहब के लिए अच्छा काम किया था। उसमें ये ताज सुल्तानपुर में एक सुंदर एक मठ है, वीर शैव धर्म का एक मठ है। वीर शैव धर्म परंपरा क्या हजारों सालों से ये मठ का परंपरा अभी भी दिखना चाहती है। उसमें वीर शैव धर्म का एक सिद्धांत है, वीर शैव धर्म में प्रति हर एक गांव में प्रति एक एक गांव में एक एक मठ है। वो मठ का काम सनातन धर्म का और धर्म सभी धर्मों का पालन पोषण करके अधर्म से रक्षण करके धर्म रक्षण करने का काम ये वीर शैव धर्म का परंपरा है। उस परंपर में इस ताज सुल्तानपुर में चिन्नद कंती चिक्कवीरेश्वर शिवाचार्य का एक मठ हजारों सालों से एक मठ ये इसका परंपरा आ रहा है। इसके नीचे 3 गांव में 3 मठ है, गुलबर्गा तालुका में 3 मठ है, एक श्रीनिवास सरडगे और कुरकोटा ताज सुल्तानपुर। ऐसी परंपरा का एक मठ सभी धर्मों के साथ मिलकर जुलकर काम करने का धर्म का काम करने का धर्म जागृति करने का सभी लोगों के साथ अन्योन्य से भागी होकर धर्म जागृति का काम ये मठ का परंपरा में आ रहा है। पीछे भी है आगे भी है। वैसा ही एक मठ में हमारा ये ताज सुल्तानपुर का इतिहास बहुत परंपरा है। ये गांव में तो 5 मठ होता है, वीर शैव धर्म में 5 पीठ है, पंचपीठ का एक मठ ये वीर शैव धर्म का पंचपीठ है। पंचपीठ का परंपरा में 5 मठ ये ताज सुल्तानपुर में है। वैसा ही उसमें उज्जैनी परंपरा का उज्जैनी पीठ का परंपरा का मठ ये हमारा चिन्नद कंती चिक्कवीरेश्वर मठ और एक रंभापुरी पीठ का मठ सुलपल मठ बोल के एक रंभापुरी पीठ का है, एक केदार पीठ का है और एक श्रीशैल पीठ का है। वैसा पंचपीठ का परंपरे का मठ ये ताज सुल्तानपुर में विराजमान होकर वीर शैव धर्म रक्षण के साथ सभी धर्म का रक्षण करने का ये मठ का परंपरा है। वैसा ही इस आज अभी तो देखने में भारत देश में अशांति का वातावरण सभी लोग को मालूम है, अशांति का वातावरण, धर्म में झगड़ा है, मजहब में झगड़ा है और सभी का घर घर में झगड़ा है, गांव गांव में झगड़ा है। सभी छोटा छोटा गांव भी थोड़े धर्म का समस्या होकर
समाज में अशांति करने का काम थोड़ा लोग करना कर रहे हैं, उसलिए ये समाज में वीर शैव धर्म कैसे है, सभी लोगों को सर्वधर्म समन्वय का जो मठ है ये धर्म है, वीर शैव धर्म काम करने का, वीर शैव धर्म का धर्म पीठ का गुरुजी लोग जो आए सभी लोगों के साथ धर्म जागृति काम करने का करता है, धर्म जागृति करते है, धर्म जागृति के साथ धर्म में अभी जो अशांति जो हो रहा है वो अशांति नहीं होना है, हम सब मिलकर। आज ताज सुल्तानपुर बोले तो एक मुस्लिम राजा का नाम है, हिंदू और मुस्लिम का जो बांधव्य है, जो गुलबर्गा है हिंदू मुस्लिम का बांधव के ये डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट है, ये हैदराबाद कर्नाटक है, उसलिए बोल रहा हूँ ये अभी जो राजनीति में जो है धर्म में झगड़ा करके, धर्म में मनस्ताप करके, धर्म में घर में सबके साथ उनके भलाई के लिए उनके लिए जो धर्म में जो काम कर रहे हैं राजनीति वाले, उसलिए कोई समाज में कोई धर्म में हो अपना अपना धर्म बहुत श्रेष्ठ रहते हैं, अपना अपना धर्म का काम करके धर्मो रक्षति रक्षता, अपना धर्म रक्षता रक्षण करके उस धर्म का पालन पोषण, उनके धर्म का पालन पोषण, धर्म का जो संत लोक है यति लोक है उनके धर्म का रक्षण करना चाहिए, उसलिए अब जो इलेक्शन आकर सभी का सिर में जो धर्म का एक धर्म में झगड़ा कर लगाने के लिए कुछ भी कोई भी तो कुछ तो बोलना चाहते हैं, उसलिए कोई लोग ये धर्म में झगड़े का बात नहीं करना है, सभी लोग मिलकर अभी जो इलेक्शन भी जो आ रहा है वो इलेक्शन में तुम जो करना है एक वोट, कौन सा तो पक्ष में रंदे, कौन से तो पार्टी में रंदे, कौन सा तो तुम्हारा काम करने का एक नेता है, उनको काम करने वालों को तुम्हारा एक वोट, ये भारत देश के लिए, ये धर्म के लिए, ये राज्य के लिए, ये रक्षण कौन करता है, उनको एक वोट डालना चाहिए, सभी लोग मिलकर वोट करने का बहुत जरूर है, वोट तो कोई भूलना नहीं, वोट का एक वोट बहुत काम करने का है, ये एक वोट सारी इंडिया सारे भारत देश रक्षण करने का काम एक वोट करना चाहती है, उसलिए इसका काम सभी लोग भारत का लोग हो, कर्नाटक का लोग हो, हमारा गुलबर्गा कलबुर्गी जिले का सभी लोग वोट करने का कोई भूलना नहीं, वो काम करने का जवाबदारी, वो काम करने का वोट करने का तुम्हारे ऊपर बहुत जवाबदारी है, उसलिए वोट करना है। ये कलबुर्गी जिले में जो ये मठ है अपना चिन्नदकंती चिकवीरेश्वर मठ है, सभी लोगों के साथ मिलकर ये काम धर्म का काम होता है, धर्म का काम करना चाहिए, धर्म का काम करता है, अभी भी पीछे भी करे है आगे भी करता है, अभी तो सबके साथ मिलकर जुलकर जो काम कर रहे मठ का एक ही धर्म का नहीं है, सब में धर्म का साथ मिलकर काम कर रहे, उसलिए जो अभी जो बात कर रहा है सब लोग धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म का काम सभी लोग कर राजनीति का छोड़ दो, अभी इलेक्शन आए, इलेक्शन में भी 4 दिन सिर खराब कर लेके और 4 दिन होने के बाद हम तुम जो सब जन मिलकर ये धर्म हो रक्षति रक्षता भारत देश में जो सब जो मिलकर जाने का बहुत जरूर है, उसलिए मैं सभी के साथ अपील करना चाहता हूँ तुम जो सब ये राजनीति का बात छोड़कर धर्म का संत का महात्मा का साहेब लोकन का बात सबका मिलकर धर्म में जोड़ने का काम करना, तोड़ने का काम नहीं करना बोल के मेरा इरादा है, उसलिए सभी लोगों के मैं विनती करता हूँ, सब लोग तुम मिलकर जुलकर जाना बोल के मैं विनती करता हूँ।